पतले हो गए जो मैंने इनका खून पीया था, कहां से पिया था खून? देख यहां से एक दो करोड़ रुपए दो तब मैं तुम्हें छोड़ के जाऊंगी। शक्ल देख अपनी है, दिमाग देख। हाय गाइस, जय गुरु जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है क्या, ट्यूसडे आज, और टाइम हो रहा है 6:15 शाम से आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। बिकॉज आज जो है मॉर्निंग जो है बहुत लेट हुई थी, बिकॉज रात को ना मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। एक्चुअली मॉर्निंग में ही सोई थी, मैक्सिमम 4:15। रीज़न बताऊँ तो आपको, आप भी हंसोगे कि इतनी, मतलब इसके पीछे कौन जागता है। फर्स्ट तो मेरा एडिटिंग का है कि एडिटिंग के, मतलब एडिटिंग करनी होती है मुझे, रात को ही टाइम मिलता है। आधी से आधी मैंने एडिटिंग कर ली थी। फिर पहले, उससे पहले मैंने फ़ोन का, जो न्यू फ़ोन लिया ना जिससे अभी मैं शूट कर रही हूँ, इसमें मुझे बहुत सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे इसका ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सही बताऊँ तो जैसे कि मैं वीडियो शूट करती हूँ तो इसमें जैसे कि मेरा राइट लेफ्ट लगता है और लेफ्ट राइट लगता है, तो इसकी सेटिंग देख रही थी कैसे होगी, जो अभी तक मुझे पता नहीं चली है। साथ में जो इसकी फ्रंट की स्क्रीन है लॉक नहीं होती, जिससे कि लाइट ना ब्लर होती है और फ्लैश करती है। तो मतलब इन दोनों चीज़ों की वजह से मेरे को इतना ना सर मारना पड़ा। YouTube में इतनी सारी वीडियोस देख ली, मुझे वीडियोस नहीं मिली। और कुछ ऐप है जो मुझे YouTube से रिलेटेड चाहिए होती है, वो ऐप इसमें डाउनलोड नहीं हो रही। वीवो वाले फ़ोन में है, बट मुझे, मैं उससे ट्रांसफ़र भी कर रही हूँ इन शेयर से, वो हो नहीं रही है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। मैक्सिमम 2 से 2.5 घंटे मेरे चले गए थे। हाँ, रात को 11:30 बजे मैं फ्री हुई थी। 11:30 बजे के बाद मैंने अपना पार्ट वार्ट किया, देन मैं सोने गई, और उसके बाद मैं लग गई थी फ़ोन की सेटिंग्स वगैरह देखने में। करते करते 2:30 बज गए। फिर मुझे था कि मुझे वीडियो भी एडिट करना है, फिर मैंने इस वाले फ़ोन से ट्रांसफ़र करी अपने वीवो वाले फ़ोन में, बिकॉज इसमें एडिटिंग अभी ठीक से नहीं हो पा रही है। जो इसमें काइन मास्टर है ना, तो उसका वाटरमार्क आ रहा है, तो सेटिंग्स से वो भी नहीं जा रहा है, इसमें नहीं आता। तो मैंने ट्रांसफ़र इसमें करी, इसमें एडिटिंग करना स्टार्ट करी, तो मतलब पता ही नहीं चला टाइम कितना कैसे हो गया। 4:15 बजे जाकर मुझे, मैंने टाइम देखा और मैंने कहा है 4:15 हो गए, तब मैं जाकर सोई। और आप सोचो 4:15 बजे इंसान सोएगा तो सुबह कब भी उठेगा। तो मॉर्निंग लेट हुई तो पूरा दिन लेजी, और आज ऊपर से ठंड, इतनी धूप भी नहीं निकली थी, और दिन में आज बारिश भी थोड़ी बहुत आई थी। तो बस ऐसे ही रहा, फिर मैंने कहा चलो शाम से ही स्टार्ट करेंगे। और व्लॉग का एक्चुअली देखा जाए तो कोई टाइम नहीं होना चाहिए, कभी भी व्लॉग बना लो, जब इंसान जाग रहा है तभी व्लॉग कर सकता है ना, तो कभी भी बना लो और कभी भी एंजॉय कर सकते हैं ना, कभी भी कर सकते हैं। अब बहुत, मैं अपना बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने, साथ में दूध रखती हूँ। चलो आप बाकी देख लो आगे क्या करती हूँ। अभी नन्नू पढ़ रहा है पापा से, थोड़ी सी आज उसने डांट भी खाई है, कह रहा मम्मा आप आके पढ़ा लो, तो थोड़ी देर मैंने उसको पढ़ाया, तब जाकर मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि फिर यू नो उसको मस्ती आ जाती है, अभी पढ़ रहा है, रीडिंग कर रहा है अब वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, लाइक बिना लाइक करे मत जाना। और हाँ, जिसके पास भी ये सैमसंग S20 FE फ़ोन है, अगर आपको कुछ नॉलेज है तो बताओ, बिकॉज मुझे इससे रिलेटेड कोई भी, जो भी मुझे सेटिंग्स चाहिए उससे रिलेटेड मुझे कोई भी सेटिंग्स नहीं मिल रही है यूट्यूब पे। प्लीज़ कोई हेल्प कर दो, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ मुझे फ़ोन चेंज करना है, हस्बैंड कह रहे हैं आप चुपचाप यही यूज़ करो, ड्रामेबाजी मत करो, तुम्हारा रोना धोना मेरे को नहीं सुनना, मतलब नहीं देखना। और आपको पता ही है कि हस्बैंड बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं इतने पैसे फूकने के बाद। अब मैं कह रही हूँ कि फ़ोन अच्छा नहीं है, सीरियसली हस्बैंड मारने लग जाएंगे किसी दिन। और अभी मैंने एक स्किन केयर की वीडियो शूट की है, वो देखो सामान सामने पड़ा है सी, तो इसकी शॉर्ट वीडियो आएगी तो इसके बाद आएगी, तो देखना मत भूलना। स्किन केयर है, बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है। जब
तक चाय में ये चीज़ें नहीं डाले ना तो चाय का स्वाद ही नहीं आता। तो मैंने आज चाय में डाला है दालचीनी, लौंग और अदरक, जो जिसको सौंठ भी बोला जाता है, पाउडर, वो डाल दिया है, चीनी पत्ती डाल दी है और उसको अच्छे से बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद देन दूध डाल दिया है और बस चाय जो है वो मेरी पक रही है। और इसी के साथ मैं थोड़ा सा अपना काम कर रही हूँ, जो किचन थोड़ी सी मैस है उसको क्लीन किया जा रहा है और चाय हो गई है तैयार। लग रहा है किरण, तो आ जाइए शाम की गर्मा गर्म चाय है तैयार। हाँ जी, क्या पीना है? दूध नहीं पीना, पकड़ो। क्या सोने से पहले दे दूँ? अभी नहीं दूँ, दे रही हूँ मैं दे रही हूँ। इसको दूध नहीं पीना, इसके लिए मैं कर रही हूँ थोड़ा सा दूध गर्म, क्योंकि आज इसने सुबह नहीं पिया। ड्रामे करने लगा, अब जैसे जैसे बड़ा होने लगा ना, दूध नहीं पीना, दूध नहीं पीना, ऐसे नन्नू का डांट खाने का दिन है। जब से ऑफिस आया उसको डांटे ही जा रहे, डांटे ही जा रहे, थप्पड़ भी खाए हैं, सुन रहे हो, थप्पड़ भी खाए हैं भाई। ये सब कुछ भूल गया, इतने दिन नहीं पड़ा ना, इसको हमने मस्ती दे दी है। मेरा फोन दूध नहीं मिला, ड्रामे कर रहा, फोन नहीं चाहिए, फोन सच्ची में नहीं मिलेगा फिर, ठीक है, कुछ भी नहीं मिलेगा। चीनी चीनी वाला दूध खा लेती मैं इसको, नहीं रहन दो, क्यों, जैसे उसकी हैबिट है वैसे रहन दो, तुम और चीनी वाला दूध दे दो उसको। हम बड़े सियाने हो रहे हो। चाय कैसी बनी है? कटोरी लाती, चाय कैसी बनी है? कटोरी लाती, नहीं बोल दो, अच्छी नहीं बनी, कटोरी लाती। उठ के बैठो, अननु ने हाई गाइस भी नहीं करी है, देख पिल्लो को कैसे फेंक रहे, देखो उसका वो भी उतर रहा है, सही से करो। ननु खड़ा हो जा, आय हाय स्माइल, तुम भी तो ऐसे ही शर्माते, तुम पे ही गया है बेटा, किसका है, आय हाय स्माइल तुम्हारी। ए सारी नमकीन, एक तो नीचे बैठ के चाय नहीं पीते, ऊपर से सारी कंबल गंदा करते जा रहे हो, सारे बोलेंगे, फिर बेड में बैठ के चाय पीते हो, बेड में बैठ के रोटी खाते हो। ये दे ऐसे कौन करता है? मेरा हस्बैंड तो करता है, कहीं पे भी गिरा हो खा लेते हैं बेड पे, कितना बोल लो रुकते ही नहीं है। छोटे बच्चों वाली हरकतें करते हैं, कई बार तो लगता है दो दो बच्चे इस घर में, एक उसके ड्रामे, ये देख रहा है इसके, आज कोल्ड ना फिर इसको फिर हो गया, बारिश आ रही थी वहां बाहर, बाहर ना विंडो पे खड़ा हो गया, मुझे ना बारिश देखनी है, यार बारिश देखनी है। जल्दी पी ले दूध, देख ठंडा हो रहा है नन्नू, कितना सा दूध दिया इसको मैंने, इससे ये भी नहीं पिया जा रहा इस लड़के से। ये देखो चाय, गर्मा गर्म चाय, मलाई भी आ गई है ऊपर, स्वाद लिए जा रहे हैं चाय के। तो ये देख रहे हो दूध पीते के साथ ही ले लिया है लड़के ने फोन, फोन नहीं छूटेगा, फोन कुछ भी हो जाए नहीं छूटेगा, चाय पी लिया है। और सर्दियों में ना चाय का कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं, कितनी बार भी चाय मिल जाए, मतलब बैक टू बैक भी चाय मिल जाए ना, मैं तो पीऊंगी सर्दियों में। आई लव चाय भाई, चाय का कुछ तोड़ नहीं है सर्दियों में, सच्ची में। ए राम जी, ये देखो, मतलब आदमी लोग ना कुछ नहीं देखते हैं, मैंने टॉवल सुखाने के लिए रखा था, ये टॉवल सूखा नहीं, तीन दिन से नहीं सूख रहा, जब से मैंने धोए हैं, तो क्या ही हो रहा है, इतनी ठंड है। अब ये रुको लगाती हूँ। अच्छा मैं जा रही हूँ अभी टेरेस पे, क्योंकि मैं अभी सर्फ में से पानी निकालूंगी। आई नो कि रात को कपड़े नहीं तो मुझे ठंड लग जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पर पानी नहीं आता है, क्या करूँ, सुबह सुबह पानी आता है और उसमें क्या है ना कि जल्दी से कपड़े नहीं धुलेंगे, तो मेरा यही रहता है कि रात को मैं निकाल लूँ सर्फ में से और वह मॉर्निंग में पानी में से निकल जाएंगे, है ना, तो थोड़ा सा मेरे लिए ईजी रहता है और फटाफट कपड़े धुल जाते, नहीं तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अभी तो काम करते करते मैं ऊपर नीचे हो जाऊंगी। और सुबह जो है बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, मॉर्निंग में आपको पता ही है कि कितनी ठंड होती है, तो हमारे यहाँ पर पानी आता है सुबह 6 से 8, तो जैसे ही सर्फ में से निकले होंगे हस्बैंड जाएंगे, मैं निकाल लूंगी, तो चलते हैं ऊपर। अभी हस्बैंड गए हैं ऊपर पानी भरने मशीन में, मैंने उनको बोला पानी भर लो, और
मैं रख जाती हूँ बैंगन। आज मैं बनाऊंगी बैंगन मटर वाला भरता, बैंगन का भरता मटर वाला बनाऊंगी और इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। इसकी रेसिपी मैंने बहुत पहले शेयर करी थी, तो अभी करते हैं दोबारा से, है ना। तो अभी मैं इसको पहले ऑयल लगा के रख देती हूँ और फिर चलते हैं ऊपर। और आ गई हूँ, लेकिन अंधेरे में मैं दिख नहीं रही हूँ। थोड़ी फ्लैश लाइट मारना प्लीज। फ्लैश लाइट मार रहे हैं और ये रहे कपड़े। पानी, अरे यार मिट्टी वाला पानी है ये तो। चक्कर मैंने घुमा दिया है, 15 मिनट लगेंगे। और ये देखो कपड़े इतने से है सी, ये रहे कपड़े। कम है आज, कपड़े ज़्यादा नहीं है। मैंने कपड़े भी इसलिए लगा लिए मशीन, क्योंकि बारिश का मौसम है। कल भी हस्बैंड कहते हैं कि पूरे प्रॉपर तरीके से धूप भी निकलेगी, तो मुझे ये था कपड़े ज़्यादा हो जाएंगे तो कहाँ आएंगे कहाँ नहीं आएंगे, तो इसलिए मैं धो रही हूँ। और अभी फिलहाल ना पानी गर्म है, ये देखो आराम से हाथ डाला जा रहा है, गर्म पानी है। तो अभी कपड़े निकल जाएंगे और बाकी सुबह मॉर्निंग में जब पानी आएगा आराम से मैं पानी निकाल लूँगी। तो चलो अभी चलते हैं नीचे, अभी तो ऊपर नीचे होता रहेगा मेरा, क्योंकि नीचे सब्जी भी बनानी है और ऊपर खड़े नहीं हो सकते। हवा भी चल रही है, मैं बाद में कैब डाल कर आऊँगी, नहीं पता चले मुझे ना चले। चलो देखते हैं बैंगन को, घुमाया था बैंगन को। तो ये भी हो गया है। अदरक का लोग किसके लिए बनाया? अदरक का लोग किसके लिए बनाया? पड़ोसियों के लिए। पड़ोसियों के लिए, वीडियो के लिए सिर्फ। तुम्हारे को तो अच्छा ही नहीं लगा था, देख रहे हो? अब इनको इनको अब इनको खाना है। कल कह रहे थे अच्छा नहीं बना है, अब सच्ची सच्ची बताओ कैसा बना है। आप दिख नहीं रहे हो इतने सारे, आप दिख नहीं रहे हो इतने सारे, मेरे पैसे लगे हैं। थोड़ा नीचे हो जाओ ना, आईडी इतनी लंबी क्यों करी है? मेरा खून भी रखा था, सामान नहीं था तो गाजर गले गए। इनका ये कहाँ से पतले हो गए जब इनका खून भी रखा था? कहाँ से मेरा खून? देखिए यहाँ से क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी, देखते जाओ बस। गरम कर देती हलवा, मैंने सोचा रात को दूंगी। रात ही खाएंगे ना? नहीं अभी खा लो ना, ना ब्रेन दे। रात को फिर तुम्हारे को रोटी खाते सोना होता है। उसी टाइम रोटी खाते ये इंसान सो जाते हैं, रोटी खाते ये ना भोग करने खिलाए मालाए ये जलेबी खिलाए कुछ नहीं, बस मेरे को नींद आई है। वैसे मेरा मन कर रहा खाने का तो गर्म करके। तो बस बैंगन के बर्तन मैंने साफ कर लिया है और यहाँ पर कढ़ाई मैंने डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल। जब ये ऑयल अच्छे से पक गया तो इसमें मैंने जीरा डाल दिया, हींग डाल दिया है, थोड़ी सी दालचीनी मतलब हाफ छोटा सा टुकड़ा ही, और 2 लौंग डाल के इसमें मैंने डाल दिए हैं प्याज। अभी मेरी गैस बंद है क्योंकि तेल जो है ज़्यादा गर्म हो गया था, तो गैस बंद करके मैंने सब चीज़ें डाल दी हैं और प्याज को अच्छे से हिला लूँगी और प्याज को तब तक पकाऊँगी जब तक कि लाइट ब्राउन नहीं हो जाते। तो बस अभी हम कर लेते हैं गैस को ऑन और फ्लेम रखेंगे मीडियम टू लो, जिसमें जो प्याज है अच्छे से पक जाएंगे, ज़्यादा मतलब ब्राउन हो जाएंगे तो बैंगन के भरते का स्वाद नहीं आएगा। तो ये लीजिए प्याज जो है ब्राउन हो चुके हैं, उसमें मैंने डाल दिए टमाटर, और टमाटर मैंने एक ग्रीन चिली भी कट की है, तो इसको अच्छे से हिला लेंगे और साथ ही में डाल देंगे रेगुलर मसाले। अगर आप हल्दी वाला खाते हो तो आप हल्दी डाल सकते हो, नहीं तो आप हल्दी स्किप कर सकते हो। तो मैंने इसमें नमक डाल दिया है, लाल मिर्च डाल दिया, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दूँगी, थोड़ा सा गर्म मसाला डाल दूँगी। मेरा गर्म मसाला बिल्कुल ज़रा सा डलता है क्योंकि मैंने घर पर पीसा हुआ, जो घर का पीसा होता है ना वो थोड़ा सा तेज होता है, इसलिए बिल्कुल मैं चुटकी भर भी डालती हूँ तो उसका टेस्ट आता ही है। और ऊपर से मैंने डाल दिया जिंजर गार्लिक का पेस्ट, उस टाइम मैं डालना भूल गई थी प्याज के टाइम पे, तो मैं भी डाल रही हूँ। और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी सारे मसाले को जिंजर गार्लिक के पेस्ट को। तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसको ढक के रख दूँगी, जिससे कि ग्रेवी अच्छे से पक जाएगी, ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 5 मिनट के बाद जो है ग्रेवी ने ऑयल छोड़ दिया था, तो इसमें मैंने मटर डाल दिए हैं। जो मटर जो है मैंने बॉयल नहीं किया, ऐसे एज इट इज़ डाल दिए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पानी और डाल के मैंने ढक के रख दिया है इसको। 5 से 10 मिनट के बाद जो मटर है ना वो अच्छे से पक चुके हैं सी, और अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी बैंगन, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। अगर आपके पास आलू मैशर जो होता है वो है ना आपके पास, तो उससे अच्छे से मैश कर लो, नहीं तो नहीं है जैसे कि मैं करछी से कर रही हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो। वैसे मेरे पास आलू मैशर है, बट मतलब कभी ना भी हो तो हम ऐसे भी इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं ना।
तो बस मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ऊपर से डाल दिया है घी, क्योंकि घी डाल बैंगन के भरते का स्वाद ही अलग हो जाता है। तो अगर आप तड़का घी में मारते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मारते हो तो आप ऊपर से डाल सकते हो और अच्छे से मिक्स कर लेना है। 5 मिनट के बाद जो हमारा बैंगन का भरता है वो तैयार हो गया था। और अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ रोटी, तो चलिए फटाफट बना लेते हैं रोटी। बन गया है, ये रही सब्जी। रोटी में पहले ली गई थी, बिल्कुल सिंपल खाना है, बैंगन का भरता साथ में है रोटी। तो बताइएगा जरूर रेसिपी कैसी लगी, कैसा बना बैंगन का भरता? अच्छा लगा सच्ची में? झूठ मूठ तो नहीं ना? नहीं। पापा तो झूठ बोलते हैं ना जी। पकड़ो यार गिलास, 2 मिनट तो पकड़ लो, पानी मिक्स कर लेना गरम। छोड़ो, तो ननु ने बता दिया है अच्छा बना है, बिग थम्स अप। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से डिनर करने के बाद। और उभर गया है, उभर गया रो। और टाइम कितना हो गया? 9 बज गए हैं। ऊपर से मैं 4 घड़ी निकाल के आ चुकी हूँ, उसे एक ही रह गई है। तो बस दोबारा से आ गई हूँ किचन में और नन्नू का कर रही हूँ दूध गरम एंड बर्तन करूँगी अभी। और अभी रुक जाओ, थोड़ी सी फाइट तो देख जाओ, रुक जाओ जरा, रुको जरा, सबर करो। बिल्कुल गूंगी थी यहाँ पे, फिर तुम दुखी करते हो। पहले तो गाय थी ना, गाय क्या है? गाय थी ना, ऑन कैमरा तुम नहीं मार सकते। क्या मुझे माफ कर दिया आप लोग? इतना जुल्म होता है मेरे साथ इस घर में। पहले मेरे को 1-2 करोड़ रुपए दो, तब मैं तुम्हें छोड़ के जाऊंगा। अच्छा अच्छा, करोड़ और वो भी 4? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? शक्ल मेरी बहुत अच्छी है। देखो कितनी अच्छी शक्ल है मेरी, जहां से अच्छी होती है वहीं से अच्छी शक्ल है। और मैं नहीं आऊंगी इधर, इधर तो आ, इधर तो कुछ नहीं आ रहा। ये देख, ये देख, देख, ये देख, शक्ल देख रहा है शीशे में, शक्ल तो देख, गाड़ रही। क्या कहना चाह रहे हो आप, क्या कहना चाह रहे हो? मेरी शक्ल अच्छी नहीं है? तुम्हारी अच्छी दिखा ना। लिप ग्लॉस लगा रहे बैठ कर, तुम्हारी भी अच्छी नहीं है, मेरी अच्छी नहीं है जो। किस किस एंगल से मेरा नाक लग गया, गिर गया गलती से, टेढ़ी आंख से क्या देख रहे हो? दादी का चार्जर गिरा। दादी वीडियो देखती है, देख लेगी दादी, धमकी क्या दे रहा है मेरे को? दादी को फोन करो, दादी के फोन का चार्जर गिर गया। चलो भाई मुझे करनी है किचन क्लीन और ऊपर सारे कपड़े निकल गए, बस लास्ट निकाल कर आनी है। टाइम कितना हो गया? 10। मैं बीच में ना वीडियो पब्लिश करने लग गई थी इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। खाना कब का खा लिया? हाँ क्या कह रहे हो? ऊपर जाना है? चलो भाई ये तो चले सोने, सोने जा रहे हो? गाइस किचन हो गई है क्लीन और टाइम कितना हो गया है? 11 बजे। सब चीजें गिर जाओ, सब गिर जाओ। 10:56 हो गया है, सारा काम हो गया है।
बस ऊपर मुझे जाने हैं कपड़े निकालने, वो निकाल के आती हूँ। बाकी किचन हो गई है, बर्तन जो है वो कल लगाऊंगी मॉर्निंग में, क्योंकि पानी होता है जिससे कि ना, पानी वाले लगा दो ना तो ये जो रैक है स्टील वाला ये खराब हो जाता है, इस पर जंग लग जाता है फिर, जिससे कि बर्तन ही खराब होते हैं। तो इसलिए मैं मॉर्निंग में ही लगाऊंगी, और पानी भर के रख दिया मिल्टन वाली बॉटल में। अभी इनको छीलती हूँ, मटर को कल छीले नहीं थे अब छीलूंगी। मेरा इवनिंग टू नाइट का रूटीन जो हर लेडीज़ का यही होता है ना, मेरा क्या हर लेडीज़ का यही रूटीन होता है, जैसे कि मेरा गया कि इवनिंग से स्टार्ट हो जाते हैं हम सब लेडीज़। चलिए वीडियो का एंड यहीं करते हैं, होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को कर देना लाइक, शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, लव यू गाइस, बाय।